मैंने कहा वो यहाँ रह सकती है कश्मीर में। बोला हाँ, मैंने उसके साथ डिसाइड किया है, वो यहाँ बिल्कुल मेरे साथ खुशहाली से रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो करना वही है, अगर आप मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो मैं वहीं चले जाऊँगा लखनऊ ही। ऐसा कुछ है दैट ही वॉज डेटिंग समवन, दैट ही वॉज सीइंग समवन, वो हमें पता था, बट एक बार फैमिली डिस्कशन में ऐसे शादी पे बात उठी तो पापा ने ऐसे बोल दिया, तुम लोगों ने शादी का क्या सोचा है? एंड देन एवरी आई वॉज लाइक कि मुझे तो नहीं लगता अभी करनी है, एंड ही सीम टू बी वेरी ना लाइक अप फॉर इट कि नहीं, हमें लगता है देर हो गई है। तो then we like, then I was like okay, we too Fahad aur main, we are like just one body and one soul, we used to share every secrets of each other. जब मैंने पहली बार सुना ये फहद और सना के बारे में, my only question was कि अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। She said कि she is rational, तो मैं बहुत खुश हुआ, और जब मैंने देख लिया अभी सना को तो I find a very good person in her। यकीन मानिए इस रिश्ते के बारे में मुझे पता चला है एक साल या कुछ महीने उस शायद अरसे से, तो लेकिन इब्तिदा में मुझे लगता है कि इसकी ख्वाहिश जो है ना, एक पता नहीं मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट, उसकी वजाहत कैसे की जाए, लेकिन फहद को मैंने 2012 में आई ड्रॉप्ड हिम इन लखनऊ, जब उसका क्लैट का एडमिशन हो गया और वो राम मनोहर लोहिया में उसका दाखिला हुआ, तो उसके मुझे लगता है कि दूसरे सेमेस्टर में फिर हमारा आना हुआ लखनऊ में, तो इनका जो कॉन्टिनजेंट था, जो कॉलेज कॉन्टिनजेंट, वो तकरीबन पाँच दस लड़के और लड़कियां इकट्ठी थी, तो मैं उनके साथ पसंद करता था रहना, तो आई यूज टू स्टे इन दैट गेस्ट हाउस जो उसी कैंपस में हुआ करता था, तो अवलन ये उनके साथ उस ग्रुप में बिल्कुल एक नज़दीक जो एक मुस्तकिल मेंबर नहीं थी उस ग्रुप की, लेकिन दूर दूर से उसके रिश्ते इस ग्रुप के साथ थे। तो मूड था एक्चुअली फहद का, वो मूड कोर्ट से कुछ निकल रहा था, तो उन्होंने मुझे मुतारिफ़ किया सना से, तो जैसे मैंने उसको देखा मुझे पता नहीं कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश सी आ गई, तो ये भी नहीं कि उसका रिश्ता फहद से हो, लेकिन कुछ ख्वाहिश आ गई कि नहीं, ये मतलब दिल धड़कने लगा कि नहीं ये बच्ची मेरी बेटी बननी चाहिए, तो पता नहीं उसके बाद ये उस ग्रुप में बिल्कुल उनका एक नज़दीकी एक हिस्सा बन गई उस ग्रुप की, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है मैंने इसको हमारे मतलब मेरी अहलिया है फहमीदा उसके साथ या मेरे साथ जब भी हम लखनऊ जाते थे तो वी यूज टू बी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप एंड शी वॉज एन एक्टिव मेम्बर ऑफ दैट ग्रुप देन, उस कंटिनजेंट का हिस्सा बन गई, तो पता नहीं वो दिल की वो जो एक दिल से वो आवाज़ उठी थी या एक ख्वाहिश उठी थी, तो अल्लाह ने उसका पास रख के शायद, मुझे यकीन बल्कि ख्याल नहीं यकीन है कि उसकी शक्ल में ये रिश्ता मेरे सामने आ गया, जब मुझे एक डेढ़ साल पहले ये पता चला कि एक दूसरे को चाहते हैं और दिल्ली दो से चाहते हैं। तो ये बहुत क्यूट था, उसको जब सब बोलते थे आप क्यों इतने क्यूट हो, सबको क्यों अच्छे लगते, बोलता था अपने दिमाग से, मेरा अच्छा दिमाग है इसलिए मैं सबको अच्छा लगता हूँ, और मैं खुशकिस्मत माँ हूँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, और अभी तक इसने मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं की। उसको मेरे साथ काफ़ी लगाव था, मेरे पास ही सोता था, जब वो घर आता था श्रीनगर से, हमारा मतलब घर डूरू में, डूरू अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में, तो मेरे पास ही सोया करता था, और जब मैं श्रीनगर जाता था तो तुलसी बाग में इनकी रेजिडेंस थी जय साहब की, तो हम इकट्ठे बाहर निकलते थे, तो मुझे इनमें से ज़्यादा लगाव उसी बच्चे के साथ था, फहद के साथ। मैंने सबसे ज़्यादा प्यार इससे किया है क्योंकि मेरे से बिल्कुल ही छोटा था, और हम लोग एक साथ घर पे भी स्कूल में थे, तो मुझे सबसे प्यारा है उन चीज़ में, इस लिहाज से कि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसी के साथ बिताया है, मतलब इसके साथ मैं स्कूल जाता था, ये बहुत हैवी होता था पहले, तो मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे कुकरनाग में हमारा स्कूल था,
तो मैं फिर जब वापसी पे आते थे तो ये चल नहीं पाता था, तो फिर एक लड़का था वहाँ, उसको हम 5 रुपए देता था मैं कि 3 रुपए, फिर उसको वो कंधे पे लेके आ जाता था घर, क्योंकि ये चल ही नहीं पाता था, बहुत छोटा था, तो हम तो गाड़ियों के पीछे पीछे आ जाते, लेकिन ये बेचारा चल नहीं पाता था। तो फहद के साथ जो सबसे बचपन का टाइम है, हशमत के साथ तो मतलब उतना नहीं रहा है, क्योंकि फिर उस वक्त दो रहे हम, मतलब फहद और मैं आ गए थे, उसे ज़्यादा तो प्यार मतलब ज़्यादा मम्मी ने पापा ने किया, लेकिन ये मेरे साथ क्योंकि रहा ही, मेरे बाद ही पैदा हुआ, तो इससे सबसे ज़्यादा मतलब मोहब्बत ऐसे प्यार किया इसको। ये सोता, बीच में सोता भी मेरे साथ था, तो मैं इसको वॉशरूम ले जाता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था फहद, और बड़ा क्यूट था छोटा, मैं कभी फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा उसके बचपन की, बहुत बहुत क्यूट लगता था। तो पहली बार जब मुझे पता चला इनको आपस में रिश्ते अफेयर्स है, तो मैंने फहद को बोला मैं पहले सना को देखूं, जब मैंने सना को देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई, ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसको बेटी बन के ले जा रही हूँ। वक्त गुजरता गया तो फिर नटखट भी हो गया, तो मुझे लगता है कि कुछ तीसरी या चौथी, लेकिन DPS में पढ़ता था या और भी स्कूल में, तो मुझे एग्जैक्टली मतलब साल याद नहीं है, तो लेकिन बिल्कुल अभी बचपना ही था, तो लेकिन उसने शेवर लाया और सब कुछ शेव कर दिया अपने आप को, तो लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है ये नाक के नीचे, तो फिर मैंने उसको हाथों से फेर लिया, तो पाया कि उसने बिल्कुल शेवर यूज़ करके तो सारा हुलिया ही बिगाड़ दिया है, उस मतलब जो भी छोटे छोटे वो मासूम बाल थे उनका कत्लेआम कर दिया था। सना से पहली बार मैं 15th August 2014 में अच्छे से मिला था, मतलब इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी टॉक प्रॉपरली, आई डोंट नो इफ शी रिमेंबर्स इट, शी वॉज वेयरिंग वाइट बिकॉज दैट वॉज द ड्रेस कोड, वही ड्रेस कोड था तब 15th August के फंक्शन का। उसके बाद वी मेट ऑन द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी एंड तब से तो द स्टोरी हैड स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम माई साइड। उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगा टू सेट थिंग्स अप, और फिर आई थिंक 27 फरवरी 2015 को भी हमने फैसला किया कि नहीं, वी आर फाइनली गोइंग टू गेट मैरिड इवेंचुअली सम टाइम, और उसके बाद आज वो मौका आ गया। हाँ सना, आप मुझे बताओ, आप सबसे पहले अच्छे से मुझसे कब मिले? सो हम बैचमेट्स थे और आई न्यू हिम क्वाइट वेल, बस ये कि कभी ऐसे मतलब ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंड सर्कल, तो बस आई न्यू दैट ही वाज़ वेरी, व्हाट डू यू से, ही वाज़ वेरी एक्टिव इन एवरीथिंग, और काफ़ी व्हाट डू यू से पापा, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट एडजेक्टिव, ही वाज़ वेरी वेरी फ्रैंक एंड वेरी फनी ऑल्सो, एंड उसके बाद फिर हम एक दूसरे को जानने लग गए, एंड आई डिडंट नो दैट यू नो ही लाइक्स मी सो मच, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, तो जब मुझे इसने बोला कि यू नो आई लाइक यू एंड यू नो आई ही वांट्स टू बी विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सना में अच्छी लगती है वो ये है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत है, दैट इज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सना की तरफ, और फिर मुझे ये भी लगता है कि सना सबसे खूबसूरत लड़की है, तो और शायद सबसे अकलमंद भी, तो शायद नहीं सबसे अकलमंद भी और स्मार्ट भी बहुत है, तो ये सब खूबियाँ जब किसी में हो तो जाहिर सी बात है आप मौका गंवाना नहीं चाहोगे। We used to spend a lot of time together. मतलब in fact सारा टाइम हम साथ में रहते थे, तो फिर जब इसने मुझे बोला कि he likes me, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मतलब I'm being very honest, मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ that he likes me so much, and I knew that he was a very good person, very very good person, very kind hearted and extremely honest and very loyal. The best part about him that is that he's extremely loyal. अच्छा लग रहा है, लेकिन ये था कि पिछले 6 साढ़े 6 साल से हम लोग साथ में हैं, we have been in contact, तो
जो एक वो सरप्राइज वाली फीलिंग होती है वो नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के मुकम्मल होने की और किसी नई चीज़ की शुरुआत होने की जो फीलिंग है वैसी वाली हो रही है। और एक सेटिस्फैक्शन रहता है जैसे ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों में आपको पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड रहेंगे, तो वो एक सेटिस्फैक्शन है कि ये काम पूरा हो गया। आफ्टर कॉलेज हमने ये हुआ कि शादी कब करनी है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो थिंकिंग कि पहले लेट्स जस्ट सेटल डाउन, थोड़ा करियर वाइज भी देखना था हमें। फिर फाइनली आई वेंट टू बैंगलोर एंड ही वेंट टू दिल्ली फॉर हिज फेलोशिप, एंड आफ्टर वी कम्प्लीटेड आवर मास्टर्स वी डिसाइडेड दैट वी शुड सेटल डाउन नाउ, एंड आई थिंक इट हैड टू हैपन इन 2021 एंड फाइनली इट हैज़ हैपन्ड एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली व्हाट डू यू से, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। हम शायद 19 में अप्रैल में मिले थे, अक्टूबर अच्छा नवंबर में मिले थे 19 में, हाँ दिल्ली में, तो उसके बाद हम अगस्त में मिले थे इस साल, और भाई लेकिन अच्छे से टाइम जब हमने स्पेंड किया वो अभी है, तो तकरीबन 2 साल बाद हम मिले, लेकिन कभी लगा नहीं कि हमारे बीच में इतने फासले हैं या वक्त का इतना बड़ा फासला है। तो इनफैक्ट वन मोर मोमेंट आई वुड लाइक टू शेयर, कल की बात है, तो जब मेरी विदाई हो रही थी माई पेरेंट्स वर क्राइंग एंड एवरीवन सब कोई रो रहे थे, लेकिन व्हेन ही वाज बाय माय साइड मुझे लगा कि मतलब ही इज़ देयर टू लुक आफ्टर मी, ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट मी, मुझे बहुत मतलब एक आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फैद के साथ, कभी भी मुझे अनसेफ फील नहीं होता, इज़ एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली लविंग, एक्सट्रीमली केयरिंग, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर, इज एवरीथिंग आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, एवरीथिंग, एक्सट्रीमली केयरिंग, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट हिम। फहद के लिए मुझे बस ये बोलना है, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट यू डू फॉर मी, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और आई कैनॉट लिव विदाउट यू, आई जस्ट कैनॉट लिव विदाउट यू, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है मैं एक एक सेकेंड में आपके साथ बिताऊँ, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ यू शुड बी राइट नेक्स्ट टू मी, यू शुड राइट नेक्स्ट टू मी। ऑलराइट सना, आई फील एक्सट्रीमली लकी विद यू फॉरएवर, you're my everything, you're my everything baba, so everything, so